हम दावा के साथ मेरे पिताजी नहीं रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे कमीने, ये झूठ बोल रहे। आज नहीं कल नहीं परसों यही डिक्लेयर करने वाले हैं कि आपके पिताजी नहीं रहे। नमस्कार, मैं प्रीक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भोपाल चिरायू अस्पताल में इलाज कराने से बजाय घर पर ही रहकर इलाज करवाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चिरायू में तो मरना पक्का है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि आप इस वायरल वीडियो में सुन सकते हैं कि किस तरह एक पेशेंट के परिजन अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इनका कहना है कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तो अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों की कोरोना वायरस में घटिया किस्म का इलाज और देखरेख की कमी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से नहीं बल्कि उपचुनाव से लड़ने में व्यस्त है। हॉस्पिटलों में क्या कंडीशन है इससे मध्य प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वह तो सिर्फ अपनी चुनावी सभाओं में व्यस्त है। सागर जिले में भी सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव होना है और सागर जिले में प्रतिदिन लगभग 60-70 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव के चक्कर में कोरोना प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर भाजपा और कांग्रेस की चुनावी सभाओं में 5,000-5,000 लोग शामिल हो रहे हैं। सागर से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। बोलती है COVID-19 में ठीक करूंगी। 9 तारीख के मैं अपने पिताजी को यहाँ भर्ती किया, बोलते जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने अपने स्थान पे जगह दिलवाया, उनको पैसों भी करके मन्नत करके लोगों से जगह दिला, कोई एक दिन वार्ड बॉय के थ्रू और नर्सिंग स्टाफ ना कोई ना कुछ। कल 11 बजे रात तक मेरा पिताजी दरवाजा खटखटाते रहा, यहाँ पे लॉक कर दिया उसको, खटखटाते रहा। 4 बजे मेरे को फोन किया और बोला बेटा मेरे को देखने वाला कोई नहीं है। सुबह मैं आया, मेरे पिताजी का इतनी तबीयत खराब थी, तब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अंदर गया। नर्सिंग स्टाफ जाने के बाद बताती है कि आपके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल कम है, हार्ट रेट बढ़ा है। डॉक्टर गई, मेरे बोलने के बाद जब मैं अटेंडर होके आया, 3 घंटा खड़े होके वो खटखटाते रहा, बोलते हम सुने ही नहीं है कब दिया आवाज। मैं बोला मेरे पिताजी को ICU में एडमिट करो, तो जगह नहीं है, बोल दिए आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन में डाल के रखे। मैं बोला मेरे पिताजी को लामा बनाओ, मैं इसको प्राइवेट में ले जाना चाहता हूँ, तो बोले आप कार्डियक एम्बुलेंस बुलाइए। मैंने कार्डियक एम्बुलेंस बुलवा लिया। अब कार्डियक एम्बुलेंस आने के बाद ये बोल रहे हैं कि आपके पिताजी का लंग्स पूरा खराब हो गया, हम नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ दावा के साथ मेरे पिताजी नहीं रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे कमीने, ये झूठ बोल रहे। आज नहीं कल नहीं परसों यही डिक्लेयर करने वाले हैं कि आपके पिताजी नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे जब एम्बुलेंस आया तो, क्यों नहीं दे रहे? ये लूट बची है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री बनते हो, देखिए आपके संस्थान में विधायक सुनिए क्या हो रहा है। देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक मंत्री जितने भी है वो अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन एक गरीब और ये आदमी का इलाज नहीं हो पाएगा इस संस्थान में। मौत के मुंह में भेजो, एम्स में भेज रहा है तो गरीब आदमी मर रहा है। कोरोना के नाम से लूट मची है, लूट पूरे देश में। लूट लो इंसान को, लूट लो उसकी जान, ले लो जान कमीनो। मेरा बात तो चल दिया, डिक्लेयर नहीं कर रहे। जिसको रिफर करने वाले थे बोले एम्बुलेंस बुला लो, अब बोलते उसकी क्रिटिकल है कंडीशन, ना बताएंगे। मैं आपको दावा कर रहा हूं वो 2 दिन नहीं बताएंगे, वेंटिलेटर में रख देंगे। ये तमाशा उनको सिखाए जो नहीं जानते हैं। हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। मेरा एक निवेदन है प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। कोई सरकार नहीं है भैया, कोई सरकार नहीं है। आप ही खुद अपने घर के सरकार हो। बच्चों को, मियां बीवी, माँ बाप को सुरक्षित रखो भाइयों। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, मेरे निवेदन को सुने। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई नहीं है कोविड में। कोविड का नाम का धंधा है भैया, लूट लो भैया, लूट लो, जितना लूटना है लूट लो। लोगों को जान से किसी को कोई मतलब नहीं भाई। बस आप लोग घर में सुरक्षित रहिए भैया, धन्यवाद।